भी पार्टी किसी भी नेता के साथ मेरा कोई फोटो दिखा दे, मैं ये आंदोलन ही बंद कर दूंगा मेरी तरफ से। तो किसी भी नेता के साथ, किसी भी पार्टी के नेता के साथ मेरा कोई भी फोटो दिखा दे अकेले का, किसान निर्णय हम पूरे हरियाणा के सरपंच इकट्ठे होंगे 15 तारीख को, उसका निर्णय उस दिन बैठ के मीटिंग में लिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुद्दा पहला तो एक तो डेट अनाउंस करनी, जो टोहाना के अंदर पूरे हरियाणा के सरपंचों का बैठक का आयोजन करना ना, एक तो उसकी डेट अनाउंस करनी है। एक आम जनता से, हरियाणा की जनता से मैं अपील करना चाहूँगा भाई, ये जो ई टेंडरिंग है इसका बारे में बताऊँगा, इसका आगामी क्या परिणाम होगा, इसके इससे ग्रामीण क्षेत्र में क्या नुकसान होगा, उसका बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, जनता से अपील करना चाहता हूँ, पूरी हरियाणा की जनता से, खासकर जो लोग गाँव में रहते हैं और अपने अपने गाँव से लगाव उनका और जो गाँव का विकास करवाना चाहते हैं, ये जो सिस्टम है ना ई टेंडर वाला, इससे आगे भविष्य में बहुत भारी नुकसान होगा ग्रामीण परिवेश को। इसमें जो आएगा ये सिस्टम हो गया ई टेंडर वाला, इससे आगे बढ़िया लोग इस चीज़ में आना बंद कर देंगे, नाम बदनाम होने के डर से, क्यों भाई काम तो करेंगे ठेकेदार, बदनामी होगी, हाँ बढ़िया आदमी इसमें आना बंद कर देंगे और गांव का सामाजिक जो पंचायती सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। और ये सिस्टम भी पंचायती एक्ट को ख़त्म करने का ही है बिल्कुल। ये ठेकेदारी प्रथा जो है ना, इसमें कभी अच्छे काम नहीं होगी, ये तो वो काम हो गया, आप आपका मकान बनाने लग रहे हो, पैसा आपका है, जगह आपकी है, और वो जो ठेकेदार मटेरियल अपनी मर्जी से लगाएगा, गांव भी तो अपना घर है, अगर आप गौर से अगर ध्यान से सोचो तो गांव अपना घर है खुद का, अगर उसकी छत गिरेगी तो बच्चे तो अपने मरेंगे ना, ठेकेदार का तो कुछ नहीं जानता। मैं आम जनता से अपील करना चाहता हूँ भाई, इस आंदोलन को कल्ला सरपंचों का आंदोलन ना समझे आप, और इसमें ग्रामीण क्षेत्र को बचाने के लिए बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लें, ये आने वाले भविष्य में इसके बहुत बुरे प्रभाव होंगे। और मैं उन भाइयों से भी अपील करना चाहता हूँ जो सरपंच अभी तक इस मामले में उठे नहीं हैं, भाई कम से कम आने वाली पीढ़ी आपको क्या कहेंगी, भाई जब ये सिस्टम लागू हो रहा था आप उस टाइम सरपंच थे, आपने क्या किया इसके खिलाफ, कम से कम एक बार गौर से 2 मिनट अकेले बैठ के सोचें, ये लड़ाई गाँव को बचाने की लड़ाई है, देहात को बचाने की लड़ाई है, ना कि ये तो गुमराह किया जा रहा है पब्लिक को भाई सरपंच तो पैसे खाने के लिए, इससे क्या है भाई लोग गुमराह होंगे, इनके साथ लगे नहीं कि सरपंचों के साथ, ये तो गुमराह करने का तरीका है और कुछ नहीं है, इसके बहुत बुरे परिणाम आएंगे। मैं सभी पढ़े लिखे लोगों से भी, जो टीचर लोग हैं, वकील लोग हैं, जो अपने गाँव से प्यार करते हैं, उनसे अपील करूँगा भाई आप लोग भी लोगों को समझाएं इसके बारे में भाई, इस चीज़ वकील लोग पढ़े लिखे लोग वो और भी अच्छे तरीके से समझा सकते हैं पब्लिक को, इसका क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा गांव ग्रामीण क्षेत्र पर। मैं इस प्रेस के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि हर इंसान जो गांव से प्यार करता है एक बार बैठ के अकेले में बैठ के सोचे इसका क्या परिणाम जाएगा, और इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। और मैं ये कहता हूँ कि पूरी ग्राम पंचायतें आएंगी, यहाँ कल्ला सरपंच नहीं आएगा, सरपंच के मेंबर भी आएंगे, ग्राम पंचायतें पूरी पूरी ग्राम पंचायतें इसमें भाग लेगी और अच्छी तरह से इस मुहिम को चलाया जाएगा। और 15 जनवरी को टोहाना के अंदर पूरे हरियाणा के सरपंचों का सम्मेलन कह लो आप या बैठक कह लो, पूरे हरियाणा की ग्राम पंचायतें 15 जनवरी को टोहाना में आने लग रही हैं, और उसी दिन बैठकर एक निर्णय लिया जाएगा, एक कमेटी का गठन करके एक निर्णय लिया जाएगा भाई किस तारीख को हम ज्ञापन देंगे, किस तारीख को हम अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। ये सारा 15 तारीख को आप लोगों के माध्यम से पब्लिक को बताया जाएगा। और मैं आप लोगों से भी एक अपील करता हूँ पत्रकार साथियों से, मैं आप लोग भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हो, जैसे अपना तो कस्बा टोहाना ये गांव ही समझो आप छोटा, आप लोग भी इस मुहिम में हमारा बढ़ चढ़ कर साथ दें और लोगों को जागरूक करने में हमारी मदद करें। ये मैं ये कहना चाहता हूँ पंचायत मंत्री जी, आप भी गाँव के इंसान हो, आपने सोचना चाहिए अपने गाँव के बारे में, ये क्या ये इन अपने गाँव के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन काफ़ी टाइम से गुड़गांव रहती हूँ, गाँव को क्या मतलब है गांव से, ये तो बिजनेसमैन इंसान है, गुंडा शब्द किस तरह का ये सब? वो इनकी मानसिकता है, वो पब्लिक अपना आप देखने लग रही है, इनकी सोच कैसी है, इनकी आवाज इनके शब्द कैसे हैं, वो तो पब्लिक पता लग रही है उससे, इनके चरित्र का लोगों को अपने आप ही पता लग रहा है। राइट टू रिकॉल की धमकी देते हैं, राइट टू रिकॉल गुड़िया इन्होंने अच्छी तरह से पढ़ा ही नहीं है, कानून अभी तो लागू भी नहीं हुआ, और उसमें 1 साल के बाद लागू होने के बाद 1 साल का टाइम होता है, और 67% जनसंख्या जब गाँव की, राइट टू रिकॉल तो अपना आप ही हो जाता है, अगर कोई भी सरपंच गलत काम करेगा अपना आप नहीं, गांव के लोग मेंबर उससे भाग जाएंगे, अपना आप ही राइट टू रिकॉल हो जाएगा, इनके तो कहने की जरूरत नहीं है, राइट टू रिकॉल ये विधायकों पे लागू करते,
किसी भी कुछ विधायक ऐसे जिनके हल्कों में बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है। सरपंच साहब एक नडोड़ी से इसको किस तरह देखते हैं, क्या सरपंच इस तरह का दबाव सहन करेंगे? भाई दबाव सहन कर मैं तो मानू नहीं, कराना नहीं चाहिए दबाव सहन। जो क्या करेंगे, दबाव सहन क्यों कर रहे हो आप? आप गलत ना करो, आप काम सही करो, दबाव क्यों सहन करते हो? मैं तो नाडौड़ी गांव के लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपने गांव का माहौल ख़राब ना करें। गांव में आपने रहना है पूरी ज़िंदगी इकट्ठे, मंत्री आपके गाँव में आके नहीं बसेंगे, भाईचारा आप लोगों का ख़राब होगा, इसका खामियाजा आपकी आने वाली पीढ़ियाँ ही भुगतेंगी अगर आप गाँव में ऐसा माहौल क्रिएट करोगे तो। रणवीर जी अभी तक इस साइड के कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, इस साइड मेरी सभी से बातचीत हुई, मैं जाके भी आया हूँ, पलवल भी मैं जाके आया हूँ, मेरी बात हुई, बहादुरगढ़, रोहतक और जज्जर में मेरी बात हुई है, मैं वहाँ जाना भी है। अभी 10 दिन का टाइम है, मैं पूरी स्टेट को कवर कर दूँगा, हर डिस्ट्रिक्ट में जाऊँगा। फतेहाबाद वालों से मेरी बात हो रही है, सारे के सारे तैयार है। सरसा भी मेरी बात हुई है, वो 1-2 दिन में ही अपना प्रोग्राम सेट कर। पंचकूला वालों से मेरी बात चल रही है, बात तो हमारी सभी से चल रही है और सभी ही लोग जागरूक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सबने पता है इसका नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या है। जो भी सरपंच अपने गांव में विकास चाहता है ना, वो तो हर बंदा तैयार है। मैं तो गांव के लोगों से अपील भी करना चाहता हूँ, पूरे हरियाणा की जनता से, भाई जो सरपंच इस मुहिम में नहीं चल रहे, आप उन लोगों को समझाओ भाई, अपने गांव को बचाने का मुद्दा इसमें सभी बड़े चढ़कर भाग लें। एक बड़ा सवाल है, मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं, मैं 41 साल की आयु है मेरी, आज तक किसी भी पार्टी किसी भी नेता के साथ मेरा कोई फोटो दिखा दे, मैं ये आंदोलन ही बंद कर दूंगा। मेरी तरफ से तो किसी भी नेता के साथ, किसी पार्टी के नेता के साथ मेरा कोई भी फोटो दिखा दे, अकेले का किसी के ब्याह शादी में एक अलग था, ग्रुप में तो एक अलग बात है, और मेरा ब्याह शादी में भी नहीं होगा। मेरा सवाल ये था कि मैं किसी राजनीतिक दल से मेरी कोई बात नहीं, ना मैं बात करूंगा किसी भी राजनीतिक दल से, ये राजनीतिक मुद्दा थोड़ा ही, अपने गाँव को बचाने का मुद्दा है। राजनीति जिस दिन इसमें घुस गई उस दिन तो सत्यानाश कर देगी। मैं तो अपील भी करता हूँ आपके माध्यम से दूसरी पार्टियों से, भाई इससे दूर ही रहे, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। 23 तारीख का निर्णय हम पूरे हरियाणा के सरपंच इकट्ठे होंगे 15 तारीख को, उसका निर्णय उस दिन बैठ के मीटिंग में लिया जाएगा। और इसमें कुछ साथी ऐसे हैं, करनाल से हैं नीलो खेड़ी ब्लॉक के प्रधान हैं ईशम सिंह जांबा, बहुत सक्रिय साथी है। यमुनानगर से है मुकेश सरपंच, वो बहुत सक्रिय है लड़का। एक रिम्पी सैनी है यमुनानगर से, वो लगे हुए हैं। लाडुआ ब्लॉक से है सुभाष, ब्लॉक का प्रधान है, वो बड़े ज़ोर शोर से लगा हुआ है। एक गंगवा गांव से सरपंच है भगवान दास, वो ज़ोर शोर से लगा हुआ है। चंद्रमोहन पोटलिया है अपने इसे गांव बटोल से, वो बड़ा सक्रिय है लड़का। एक अपना ये इससे है इसार 2 ब्लॉक का प्रधान है, हिंदुस्तानी बोलते हैं उस लड़के को, मेरा पूरा नाम नहीं, वो बहुत सक्रिय है। सभी डिस्ट्रिक्ट के सरपंच सक्रिय है इसमें। 23 तारीख की बात हो रही है, 23 तारीख को आप क्या? 15 तारीख को निर्णय लेंगे सभी के सभी इकट्ठे बैठ के। उस दिन पूरे हरियाणा के सरपंच होंगे, उस दिन बैठ के निर्णय, ग्राम पंचायतें होंगी पूरे हरियाणा के, उस दिन बैठ के निर्णय लेंगे इसके बारे में। साहब लगातार क्या मंत्री जी से आपने कोई बात की है या पत्र कोई दिया है कि उच्च अधिकारियों को आपने, जो सरकार को, डिप्टी सीएम को, क्या पार्टी लेवल पर? वो तो हम कहते हैं और उन लोगों को भी देखना चाहिए, मुख्यमंत्री को, डिप्टी सीएम को भी देखना चाहिए, उनका जो मंत्री है, एक मंत्री की ऐसी भाषा, उन खुद ने भी एक्शन लेना चाहिए। स्थानीय स्तर पे क्या है रणवीर जी? सबसे बात होने लग रही है, सब एक्टिव है, पूरे हरियाणा के सरपंच एक्टिव है इसमें। ये बहुत जोर शोर से आंदोलन चलेगा, आप देखना। सरपंच सरपंच नहीं, ग्राम पंचायत पंचायत नहीं, आम इंसान भी इसके में हमारे साथ खड़ा होगा। क्या लगता है कि सरकार जल्द बैकफुट पर आएगी आपके लोगों से? आएगी क्यों ना, हम लोग ताकतवर लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग ताकत दिखाएंगे अपनी, किसान आंदोलन में झुकी सरकार, इसमें भी झुकाएंगे सरकार को हम।